हाय गाइस, थोड़ा ये मेकर्स की पोल हमने जो कल के एपिसोड देखे थे उसमें शमिता शेट्टी और नेहा के बीच में जो थोड़ा झड़प दिखाई, थोड़ा जो उनकी बातें दिखाई जिस तरह से दोनों झगड़ रहे थे, नेहा वहाँ पे प्रतीक को सपोर्ट कर रही थी टास्क में, उन्हें शमिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। शमिता बार बार उसे नेहा को ये बताया तू शो में ये करने के लिए आई है, तूने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मैं मेरा बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा ऐसा हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, फिर भी तू प्रतीक से मतलब मेरे से ज़्यादा प्रतीक को तू सपोर्ट कर रही है, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है बोल के वो थोड़ा झगड़ती है, रोने वाली शक्ल बन जाती है शमिता की। फिर हम कट टू कट किचन में ये दोनों के कन्वर्सेशन में एक चीज़ हमने नोट की है, जो एक लाइन मेकर्स के जो पोल खुलते हुए दिखाई थी, जहाँ पे शमिता कह रही थी कि पता है तुझे पता है तूने मतलब अंदर आने से पहले क्या कहा था मुझे, तू क्या करने वाली है और तू अभी आके ये कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं खोल देता है पूरा। और ये पता नहीं गलती से हो या क्या हो, मेकर्स ये एडिट नहीं कर पाया, इसे चला दिया और मेकर्स के ध्यान में नहीं आया होगा, चला दिया होगा, बट यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जो पकड़ लेते हैं सब चीज़ों को, तो वैसे पकड़ लिया। लाइव फीड में भी मुश्किल से सब समझ में आएगा देखने को, जब ये टीवी में आता तो लोग जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि रिव्यूअर्स भी जो है टीवी में जल्दी देखते हैं, लाइव फीड ना नहीं देखते कि बहुत सारा काम होते हैं उनको भी, तो ये चीज़ पकड़ ली। और आगे नज़र में अब यहाँ पे मेकर्स की खुली पोल ऐसा खुलते हुए दिख रही है, क्योंकि जब नेहा बसिन और राकेश बापत एंटर कर रहे थे घर के अंदर, उसे एक ही रात पहले ये वो एक ही रात हो सकता है, दो रात पहले भी हो सकता है, जो भी है ज़्यादा लंबा नहीं, एक रात या दो रात पहले, ठीक है, ये कट टू कट हमें दिखा था कि वहाँ पे शमिता वो स्प्रिंग मतलब प्रे कर रही थी भगवान से, अरे भगवान से प्रे भी करती है और बार बार एक आई थिंक ये विशाल कोटियन था या जय भानुशाली था, विशाल कोटियन है जय भानुशाली उनमें से एक था, वहाँ पे खड़ा था तो बात कर रही थी, मैं यहाँ पे लोनली फील कर रही हूँ, मैं बट अकेला फील कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ मैं राकेश को मिस कर रही हूँ, मुझे राकेश प्लीज़ बिग बॉस राकेश को भेज दो, और साथ में ये भी बोलती कि राकेश को नहीं तो नेहा को भेज दो। तो ये क्लियर पता चलता है, जैसे कल के इसमें भी इसने बोल दी कि शो में आने से पहले तूने क्या बोली थी और तो अभी आके तू ये कर रही है, तो इससे क्लियर पता चलता है कि शमिता को ये बात पता था वाइल्ड कार्ड एंट्री में राकेश बापत या फिर नेहा बसिन एंटर करने वाली है। शमिता को ये नहीं पता कि दोनों आएंगे, शमिता को ये पता ज़रूर था कि दोनों में से एक आएंगे, और एक में से जो भी आएंगे दोनों आए उसकी खुशी डबल दुगना हो गई, इसी से हम बिग बॉस की पोल भी खुल गई। शेम ऑन बिग बॉस, कसम से इतना घटिया मेकर्स, इतना घटिया एडिटर्स, क्रिएटिव टीम, इतने घटिया कैसे हो सकते हैं कि शो में, यार एक शो में मेकर्स गंदे हो सकते हैं, क्रिएटिव अच्छा हो सकता है, एडिटर्स अच्छे हो सकते हैं, या फिर तीनों बकवास, मेकर्स क्या सोच के लेके आते पता नहीं, क्रिएटिव क्या सोच के टास्क डिज़ाइन करते, क्या सोच के अपना आइडियाज़ लगाते, क्या सोच के अपने दिमाग यूज़ करते, उसका कोई आइडिया नहीं। एडिटर्स क्या सोच के सीन्स को एडिट करते, क्या सोच के सीन्स डालते कि जो कल हुआ इंसिडेंट वो आज नहीं बताते, कल हुआ इंसिडेंट वो कल नहीं, कल तो दूर की बात, आज नहीं बताते, वो भी दूर की बात हो जाती है, कल बताते, दो दिन पुराना हुआ इंसिडेंट आज बताते हैं, मीन्स अफसाना जो एविक्ट हुई पब्लिक को दो दिन पहले पता था, उसको लाइव टेलीकास्ट जो उसको टीवी में टेलीकास्ट किया आज के दिन, ऐसा हो सकता है क्या, इतना बकवास एडिटिंग। चलो ये पोल खुल गई है बिग बॉस की, ख़त्म हो गई बात, आगे कोई और वीडियो होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में, धन्यवाद।